मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 52 होगा। मैं इस विषय में पहले मेरा ख्याल जिक्र कर चुका हूं, लेकिन दोबारा वो मेरे सामने आ गया, क्योंकि मुझे प्रभु जी ने शुरू में ये कहा था कि मेरे ऊपर तेरा एक कर्ज था, वो उतारना है। तो मैंने फिर बीच में कहीं कन्वर्सेशन में उनसे पूछा था कि प्रभु जी, ऐसा क्या कर्ज था कि तूने मुझे एक लोटा जल पिलाया था। अब ये बात मेरे साथ घूमती रही, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि तू बहुत ही प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट था, महाराजा था, और बड़े बड़े राजा लोग तेरे सामने सर झुकाए खड़े होते थे। तो बड़ा दानवीर था और बहुत तप भी करता था, दान भी करता, लेकिन साथ में तूने बहुत ही कुकर्म भी किए जिसकी वजह से तेरा नुकसान हुआ, वो मैं बता चुका हूं, सब डिमोशन मेरी हुई। तो ये सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा, इसका जिक्र मैंने किया हुआ, शायद आप लोगों को याद हो और आप कनेक्ट कर लेंगे उसी वक्त। ये एक पर्पस से बताना चाहता हूं कि जैसे उसी जो मैंने पहले एपिसोड में जिक्र किया उसमें ये था, लेकिन मैंने उसको अलग कर लिया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये रहता है कि एपिसोड बहुत लंबा हो गया होगा। उसमें मुझे उन्होंने ये भी कहा कि मेरा तेरे से और रूपा से, तुमसे और रूपा से संबंध था, और मुझे बेटा बहुत तप देना पड़ता है, अब तू बार बार अपने इस खिलौने को देखना बंद कर दे। देखो, मैं बार बार देखता था कि उसमें आया कि नहीं, आया कि नहीं, पता नहीं दिन में कितनी बार देखता था। तो उनको सब पता था, सब दिखता था। ये बड़ा गजब का मामला है कि अपने इस खिलौने को बार बार देखना बंद कर दे, अभी बंद कर देना, और मुझे बहुत तप देना पड़ता है बेटा। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सवाल तो खत्म नहीं होंगे, तुम पूछते रहते हो, खुद तप कर लो, तुम्हें सब दिखाई देने लग जाएगा। अब उसमें जो मैंने उनसे पूछा हुआ था कि आपने कहा मैं बहुत दानवीर राजा था, महाराजा था, और फिर मैंने आपको, आप तो मुझे इतनी जानकारी दे रहे हैं, इतनी कृपा दया कर रहे हैं, और मैंने आपको सिर्फ एक लोटा जल पिलाया, तो मैं तो इसका जिक्र मैं कर चुका हूं शायद, अब पता नहीं क्यों मुझे लगा मैं दोबारा से शेयर करूं आपसे। तो मैंने कहा कि मैंने आपको सिर्फ एक लोटा जल पिलाया, मैं तो बहुत कंजूस राजा रहा हूं, बड़ा गया गुजरा महाराजा, और आप इतना बड़ा उपकार कर रहे हो सिर्फ एक लोटा जल के बदले। अगर मैं वास्तव में दानवीर था तो मैं तो आपको जो भी आप मांगते आपको लाद देता, बैलगाड़ी भर के आपके घर भेज देता। ऐसा मैंने उनको लिखा था। तो उसमें उन्होंने स्पेशली ये लिखा कि तेरे सवाल का उत्तर, मैं ये बता चुका हूं कि मुझे जब मैं महाराजा था तो मुझे एक बहुत भयानक बीमारी हुई थी, प्रभु जी ने मुझे बताया लिखित रूप में, और वो बीमारी किसी को हो सकती थी, तो तय किया गया कि जंगल में मुझे रहना पड़ेगा, अलग से एक जगह बना के। तो वहां रूपा जो मेरे राजगुरु की बेटी थी, वो पिता की नाराजगी के बावजूद उनका आज्ञा न मानते हुए मेरे पास आके उसने मेरी सेवा की, और वो मेरे पास रहती थी जंगल में, मैं था और वो थी क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती, तो उसने ये रिस्क लिया, ये खतरा मोल लिया कि कोई बात नहीं, मुझे हो जाएगी तो हो जाने दो, लेकिन मुझे आपकी सेवा करनी है। तो कहने लगे कि जंगल में जहां तुम रहते थे, क्योंकि रूपा राजगुरु की बेटी थी और ये राजगुरु के मुंह बोले बेटे थे, उनसे सीखते थे विद्या, उन्होंने गोद लिया हुआ था इनको, ओमकारा जी महाराज को, तो और वो रूपा उनकी बहन हुई। तो उसमें उन्होंने लिखा कि मैं मेरे प्रश्न के उत्तर में कि मैं उसको मिलने के लिए आया था बहुत दूर चल के, और जहां पे तुम लोग थे
वहां एक ही लोटा जल था, मुझे बहुत प्यास लगी थी और बेटा तुझे भी बहुत प्यास लगी थी, मैं उस वक्त महाराजा था, तुझे भी बहुत प्यास लगी थी, और जल का जो स्रोत था, जो स्थान था, वो वहां से मीलों दूर था, लेकिन तूने वो स्वयं जल ना पी के मुझे पिलाया, इसलिए मेरे ऊपर वो कर्ज है, वो मुझे कर्ज उतारना था। अब इससे क्या सिद्ध, अब ये तो मुझे तो क्लियर हो गया कि इसलिए वो इतना बड़ा पुण्य था। मतलब एक लोटा जल, मैंने कहीं जिक्र किया है इसका, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, तो क्योंकि मुझे इससे याद आ रहा है कि भाई अगर आपके पास अथाह धन है और आपने कुछ धन दान कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक जो दान है वो तो वो है जब आपके पास ना हो, या आपके पास दो रोटियां हैं, कोई भूखा आ गया तो आप उसको एक रोटी दे दें, ये बहुत बड़ा दान है। लेकिन उससे भी बड़ा दान ये है कि आपके पास एक ही रोटी है, कोई भूखा आ गया और आपने एक रोटी उसको दे दी, ऐसा ही वहां हुआ। तो इसका लाभ क्या हुआ कि एक लोटा जल मैंने खुद ना पी के उनको पिला दिया, स्रोत पानी का मीलों दूर, और वो प्यासे थे और रूपा का पता लेने आए थे, उसको मिलने आए थे। उस एक लोटा जल से मेरे ऊपर कितना बड़ा परोपकार हुआ, क्योंकि जब ईश्वर के दरबार में बात हुई तो इन्होंने चुनौती इसलिए स्वीकार की, बाकी लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि उनके सर पे मेरा ये कर्ज था, ये कारण बना, ये लिंक बना, ये रीजन बना। तो एक लोटा जल ने मेरे जीवन में वो कर दिया जितने जन्म मैंने लिए महाराजा से लेके आज तक, ये कभी नहीं हुआ, ये अनमोल है, ये अद्भुत है, अपरिभाषित है, अनबिलीवेबल है। अब मान लीजिए, ये दोबारा ये बात कही कह रहा हूं, तो मैं दोबारा इसलिए भी कहना चाहूंगा इसको अंडरलाइन करने के लिए कि दान किया करो, जितना भी कर सकते हो, कुछ भी दान कर सकते हो। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, जब आ जाएगा तब करेंगे, नहीं। देखिए दान क्या है, एक लोटा पानी किसी प्यासे को पिलाना, एक रोटी किसी को खिला देना, किसी बुजुर्ग की मदद कर देना, उसकी टांगें दबा देना, उसको खाना खिला देना, उसको दवाई दिलवा देना, उसका सहारा बन जाना, ये तो हम कर सकते हैं ना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, अपेक्षा नहीं है कोई, तब वो सार्थक है, अन्यथा वो व्यापार है, धंधा है, गिव एंड टेक है, कि मैं इसके लिए करूं तो उसे ये करवाना है। ये बात याद रखेगा, मुझे ये मेरी सारी जर्नी का, ये जितना भी उन्होंने मुझे उत्तर दिए उन सब में, ये सबसे बड़ी बात है, ये चाबी है, की है, ये बुनियाद है उसकी, कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद ना पी के प्यासे होने के बावजूद उनको एक लोटा जल पिलाया था और उसने मेरा कायाकल्प कर दिया, मतलब मेरा उद्धार कर दिया, मेरा जीवन ही बदल गया। बहुत लोग पाठ करते हैं, सुमिरन करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, नित्यनेमी हैं, लेकिन अगर हम अपने गिरेबान में झांक के देखें तो क्या हमने झूठ बोलना छोड़ा है, बेईमानी करनी छोड़ी है, किसी का बुरा करना छोड़ा है, निंदा करनी छोड़ी है, चुगली करनी छोड़ी है? कई लोग तो मदिरापान भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, व्यभिचार भी करते हैं। तो उसका कारण क्या है, उनको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ा खुद मार रहे हो, तुम खुद अपनी डिमोशन का इंतजाम कर रहे हो, फिर तुम पछताओगे, रोओगे, लेकिन तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। जैसे आज तमाम लोग परेशान हैं,
हमको मैसेज करते हैं, मैसेज पे मैसेज, फोन पे फोन, हम क्या करें? आपने बोया है, स्वीकार करो पहले तो, फिर माफिया मांगो, फिर धन्यवाद करो, नाम जपो, सुनो कान में लगा के, रात को रिपीट पे लगा के। कितने लोग हैं जो रात को रिपीट पे लगा के सुनते हैं? बहुत कम लोग होंगे। लोग इतने कैलस, इतने आलसी, इतने कैजुअल हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुझे हैरानी होती है। वो कष्ट तो भोगते रहेंगे, अब फिर ये उनके भाग्य का हिस्सा होगा। जो भाग्य ने उनको कष्ट देना है तो वो उनको सुनने देगा ही नहीं, वो विधि नहीं बनने देगा। और जब भाग्य मदद करेगा, समय आ जाएगा, तो अपने आप ऐसे विधियां बनती हैं, सब लिंक जुड़ते चले जाते हैं। सो ऐसा मौका चूकिएगा मत, लगे रहिएगा। पुनर्दान जितना कर सकते हैं, पौधे लगाइए, हिमालय को बचाइए, धरती को बचाइए, इससे बड़ा पुण्य नहीं आपका इस दौर में, आजकल खास करके, यानी जिस दौर में हम आ गए हैं, जो गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने लिखित रूप में मुझे भेजा, उसके हिसाब से आज अगर आप पेड़ लगाने लग जाते हो तो उस आप महापुण्य के हकदार हो जाओगे। उससे बड़ा कोई महापुण्य नहीं है, क्योंकि आपके पेड़ लगाने से सब अगर लगाने लग जाते हैं, आप एक चेन बन जाती है हिमालय पे, वो जो ईश्वर के कण है, ईश्वर के अंश जो तप में लीन है, उनकी समाधि बच जाएगी। या वो जिस भी अवस्था में उनका शरीर होगा, जब बर्फ ही पिघल गई, हिमालय नंगा हो गया, गर्मी पड़ने लग गई, तो वो किस अवस्था होंगे जो हजारों सालों से वहां विराजमान है, मौजूद है? खलल पड़ गया, आपने उस खलल को बचा दिया, धरती को बचाया, हिमालय को बचाया, और ईश्वर के उन अंशों को बचाया। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, आप ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा के पात्र बन जाएंगे, कितना बड़ा महापुण्य कमा लेंगे। तो कोशिश करिएगा, सोचिएगा इसके बारे में। शुरू में लगती हैं चीजें बड़ी मुश्किल हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन जब चलते हो तो रास्ते मिल जाते हैं। नियत साफ हो, ईश्वर से प्रार्थना करके, जैसे मैंने बार बार कहा है, घर में 5 बार मूल मंत्र का, गायत्री मंत्र का, या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उसका पाठ करके घर से निकला करें, ईश्वर से प्रार्थना करके निकला करें। रास्ते ऐसे, जो अड़चने आने वाली हैं वो हटती चली जाएंगी, आसान हो जाएगा, अपने आप रास्ता बना के देगा, खड़ा हो जाएगा साथ में आके। तो ये कोशिश करें, और जाते हुए जपते रहें। तो आप चले इस राह पे कि पौधे लगाने हैं। जैसे कोई बहन जी ने मैसेज किया था कि हम विदेश में रहते हैं तो पौधे लगाने थे, तो कैसे? हम अगर शुरू करते हैं तो हम लोग आप लोगों को बता देंगे, आपके नाम के पौधे भी, यानी हम लोग तो खरीदेंगे ये नर्सरियों से, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं, किसी ने लिखा था कि ये नीम वगैरह के पेड़ या पीपल के आजकल यहाँ नर्सरियों में नहीं मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, नर्सरी वाले के हमको इतने हजार चाहिए तो बनाएगा, लगाएगा, या फिर हम बीज लेके आएंगे, खुद लगाएंगे अपनी नर्सरी में। तो जो लेबर है, जो पौधे हैं, जो उसकी जाली बनानी है, वो जगह पे लगाना है, तो उसका खर्चा एक निकाल लेंगे, तो एक पौधे का हमें अंदाजा लग जाएगा एक पौधे का। और कुछ आदमी रख लेंगे जो उनको पानी दे के आया करेंगे, ये कुछ समय उनको देखभाल करनी पड़ती है, उसके बाद वो चल पड़ते हैं। तो वो कलेक्टिवली तय कर लेंगे। हम लोग अपना ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं ताकि आप लोग उस ट्रस्ट में पैसे डाल सकें। मैंने अपने सीए साहब को भेजा हुआ है, और आज कल में मेरी उनसे बात होगी, और उसके बाद जैसा वो राय देंगे, 1-1.5 महीने में रजिस्टर्ड होता है, तो खाता वगैरह खुलवा के आप लोगों को नंबर दे देंगे। तो जो लोग इस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहें कि पौधे लगाने, जब हम ये शुरू करेंगे तब, क्योंकि मैं उसको अलग ही रखना चाहता हूं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते, तो मैंने कहा रुक जाइए, आप मेरे खाते में डालेंगे, आपने किस भावना से दिए हैं, वो कौन से पैसे हैं, और मैं उसको कहीं अपने काम में इस्तेमाल ना कर लूं, तो ये ट्रस्ट के पैसे उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा, परमार्थ के लिए, समाज सेवा के लिए, लोगों के भले के लिए। उसमें मेरा व्यक्तिगत कोई पैसा नहीं, तो मैं अपने पास से डाल सकूंगा तो डालूंगा उसमें, लेकिन उसमें से कोशिश करूंगा कि मैं अपनी सुविधाओं के लिए, अपने जीवन यापन के लिए मैं उसमें से इस्तेमाल ना करूं, ये मेरी कोशिश होगी। ईश्वर मुझे खुद ही अपने रिसोर्स इतने उससे दे दे तो मुझे क्या जरूरत है उसको इस्तेमाल करने की। और ट्रांसपेरेंसी होगी, हमारी वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा रहेगा, आप कभी भी चाहें तो आप देख सकते हैं कितने किसने भेजे, कितने इकट्ठे हुए, और कितने हमने खर्च कर दिए, और कितने बाकी हैं। मैं डरता बहुत हूं इससे, क्योंकि माया नगरी से भाग के आया हूं, और माया में फिर खचित हो जाऊं,
तो मुझे मैनेजर नहीं बनना है, बस ये हुक्म हुआ है, तो इसलिए कोशिश है कि थोड़ा सत्संग करूं और ये पौधे लगाने का सिलसिला शुरू कर दूं। जो काम अब हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं वही काम थोड़ा बड़े लेवल पे करें, लेकिन काम यही होगा कि ईश्वर के नाम से जोड़ना है, जो पैसा है वो गरीबों में, गरीबों की शादियां करानी है, भूखों को खाना खिलाना है, जो भी करना है, इलाज कराना है, बस उनका करा दिया, लेकिन फंसना नहीं। ये मेरी फिलहाल ये इच्छा है, लेकिन ईश्वर चाहेंगे, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, वो हरि वो नारायण वो चाहेंगे तो जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ऐसे निर्लेप रखेंगे, क्योंकि हाथ की मैल है, इसको पकड़ा तो ये आपको पकड़ लेगी, फिर नहीं छोड़ती, तो बस हाथ के साथ दे दो, ले जाओ भाई, निपटाए ही रखना है, ताकि जाते वक्त तकलीफ ना हो, और पहले से लोगों को सौंप के रखना है कि भाई संभालना, हमारे जितना था हमने कर लिया, अब जपना है और जाना है, मुक्त होके जाना है, जीते जी मुक्त होके जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और आप लोग इससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।